Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। HDFC बैंक से विकासपुरी ब्रांच से आया था मैं। हाँ जी। पेंडिंग चल रहा है पेमेंट आपका। सर पेंडिंग तो चल रहा है। सर पेंडिंग तो चल रहा है, आपको बैंक ने इश्यूज नहीं बताया। हाँ जी। आपको बैंक ने कोई इश्यूज नहीं बताया सर, क्या इश्यू चल रहा है मेरा? नहीं सर, इशू क्या होता है सर? नहीं, आपको इशू बताया नहीं, बताया पहले आप मुझे बताया ना सर। नहीं, मेरे को तो कोई इशू नहीं पता चला सर। अच्छा ठीक है, चलिए आप ये मुझे बताइए, आप यहाँ पर आए हैं कोई बैंक का अथॉरिटेशन लेटर लेके आए हैं? सर मैं बैंक का एम्प्लॉई हूँ। सर बैंक का एम्प्लॉई है, बैंक इन्फॉर्मेशन देता है ना कस्टमर को आने से पहले? नहीं, किस चीज की इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर की? आप कस्टमर के यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई उसको ऑथोरिटेशन बैंक कस्टमर को इन्फॉर्म करता नहीं करता है? सर मैं खुद बैंक का एम्प्लॉई हूँ, मैं खुद एम्प्लॉई आ रहा हूँ, मैं किसी को मैं अपनी बिहाफ पे थोड़ी भेज रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो सर? सर आप मुझे अपनी एम्प्लॉई आईडी बताएंगे? हाँ हाँ, नोट कर लीजिए आप। बताइए बताइए बताइए। S37166। हाँ जी, S37166। S4। हाँ, S4 स्विट्जरलैंड। हाँ जी, 37166। 37166 ठीक है। आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो कि आप पैसा अगर कमाल है? कमाल है सर। सर एक मिनट, ऐसे कैसे सर? सर एक आप मेरी बात सुनिए सर, आप कस्टमर के घर पे आए हैं, कस्टमर के घर पे कस्टमर मैडम बैंक का आईडी कार्ड है ना, ये पढ़ी लिखी हो तो व्हाट्सअप भी करिए और मेरे को ऑथोराइजेशन लेटर भी दीजिए अपना जरा। नहीं नहीं, हाँ जी सर, आप उनको फोटो सर RBI, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, RBI की रूल के अकॉर्डिंग आप किसी कस्टमर घर पे जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप सर? सर RBI जो बोलता है, मैं RBI रूल के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं, मैं आपसे फैक्ट्री करके कुछ बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ RBI? सर RBI ये भी तो नहीं बोलता है ना कि आप कस्टमर के घर में उठा के चले जाओ, ये मालूम है आपको? नहीं मालूम? अरे कैसी बात कर रहे हो सर आप? सर मैं रिस्पॉन्स नहीं, आपने मुझे कितनी बार कॉल किया जो आप कह रहे हैं मैं हमेशा 24 घंटे फोन पे अवेलेबल रहता हूँ, आपने कितनी बार मुझे नहीं बताया? एक बात बताइए, आपने जब बैंक से लोन लिया था? हाँ जी। सुनिए सिंपल सी बात। हाँ जी, जब आपने बैंक से लोन लिया था, हाँ जी, का तो किसी को नहीं पता होता, तो आपने ये लिख दिया कि भाई मैं कोई बीमार हो जाऊंगा या मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मेरे बिजनेस में लॉस आ जाता है, तो मैं बैंक का पैसा देना बंद कर दूंगा, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आपका? ऐसा सर, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसमें मैंने बैंक को ऐसा बोला पैसा नहीं, मैंने बैंक को ये बोला है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे को ट्रीटमेंट तक का टाइम दे दीजिए, बिकॉज मेरी भी जॉब छूट गई, ट्रीटमेंट नहीं है। 3 महीने का तो ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, आपकी ड्यू है सर? वो तो मेरी भाई आपकी ड्यू चल रही है ना सर? हाँ जी सर, चल रही है मेरी ड्यू। हाँ तो फिर और मैं क्या कह रहा हूँ सर, तीन का नहीं हो रहा, मेरी बात सुनिए ना, तीन का नहीं हो रहा तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए, दो का नहीं होता तो मिनिमम एक तो आप कराएंगे सर। सर कराएंगे तो क्लियर है सर, जब कस्टमर के पास होगा तभी वो कराएगा ना, कस्टमर पहले अपना इलाज करेगा, आपकी पेमेंट करेगा, फिर वही बात आ जाती है। वही बात, एक बात होती है, आप मुझे मैं सुनिए सर, सुनिए मैं आप इलाज की, सर मुझे एक बात बताइए, जब लोन कोई भी लेता है तो ये लिख के कोई लिख के देता है कि जी मैं बीमार हो गया ना तो मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर मैं ठीक ठाक रहा, मैं नौकरी करता रहा तो आपके लोन चुका दूंगा, नहीं तो मेरे से मत आना मेरे पास पैसे लेने के लिए। सर ऐसा तो मैंने बोला, ऐसा मैंने बैंक को नहीं बोला है, ऐसा मैंने बैंक को नहीं बोला है, ऐसा आपका हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है? तो सर आप मुझे प्रूफ कीजिए ना कि आप बैंक की तरफ से लेटर लेके आए हैं, आप मुझे बताइए ना, आप अपनी बात तो प्रूफ ही नहीं कर रहे हैं। सर मैं, अरे मैं खुद बैंक का एम्प्लॉई हूँ, आपको क्या अरे सर आप बैंक के आपके मैडम ने फोटो खींच लिया है, आप बैंक के एम्प्लॉई हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के लिए एक काम करना, एम्प्लॉई आईडी मैंने दी है ना, ठीक है, किसी भी HDFC बैंक में ब्रांच में जाना, ये भी एम्प्लॉई आईडी है किसके नाम से बता दो, विकासपुरी में मैं बैठता हूँ। सर आप मुझे एड्रेस बताइए, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए। हाँ, विकासपुरी ब्रांच बिहाइंड ऑक्सफोर्ड स्कूल। सर एड्रेस ब्रांच का एड्रेस, जैसे ई ब्लॉक डी ब्लॉक हाउस नंबर ऑफिस नंबर 47 E47। हाँ जी हाँ जी, E47 आगे। हाँ जी आगे, विकासपुरी। ओके ठीक है ठीक है ठीक। सर देखिए मैं सर देखिए ठीक है ओके। हाँ पिन कोड क्या होगा सर? पिन कोड तो विकासपुरी का 111। सर कोई बात नहीं सर, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने ना तो बैंक को पैसा देने से मना किया है, मैंने किसी को पैसा देने से नहीं मना किया, मैं बस ये कह रहा हूँ सर मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मिनिमम तो 6,000 समथिंग आपका पेंडिंग है, वो तो आप करा सकते हैं। सर जबरदस्ती आप कस्टमर से नहीं कर सकते हैं, पहली और आखिरी बात मैं आपको बताऊँ, दूसरी बार कस्टमर जबरदस्ती क्या जबरदस्ती कर दी सर? आप मुझे ये बताइए ना, आप आगे जबरदस्ती होगी सर? ये करी तो रहे हैं आप सर, और क्या कर रहे हैं आप बताइए मुझे, आप ये जबरदस्ती तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सर? क्या जबरदस्ती होगी सर? क्या होगी सर मेरे साथ जबरदस्ती? सर आप ये कर रहे हैं, सुनिए सर सुनिए, एज पर RBI गाइडलाइंस अगर आप कस्टमर के घर पे जाते हैं ना, तो कस्टमर को पहले मेल पे इन्फॉर्म करेंगे कि आप फलाना बंदा फलाने टाइम पे जाएगा, और कस्टमर को फोन पे इन्फॉर्म करेंगे, आई बात समझ में आपको? कस्टमर आपको बताएगा कि इस टाइम पे आपको आना है। RBI ये नहीं बोलता, RBI ये नहीं बोलता है कि आप लोन लेके उसे ना चुकाओ, ये बात सर आप RBI से कर लीजिएगा, मैं आपको RBI की गाइडलाइंस से आपके पास बात कर रहा हूँ मैं।
मैं आपको गाइडलाइंस मैं भी तो बताऊंगा, ये नहीं बोलता ना कि बैंक से पैसा लो चुका हूँ मत। आरबीआई सर ये भी तो नहीं कह रहा है, आरबीआई ये भी नहीं कह रहा है सर, आरबीआई ये भी नहीं कह रहा है। सुनिए मैं बैंक के बिहाफ पे नहीं आया हूँ, मैं बैंक का एम्प्लॉई हूँ, मैं आ सकता हूँ सर आपके घर पे। सर बैंक के एम्प्लॉय तो मुंह उठा के चले जाएंगे, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? बैंक ने आपको रिटर्न में दिया है क्या सर? बैंक आरबीआई ने मेरे गाइडलाइंस दिए 7/7 आप कस्टमर के एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। हाँ तो सर आप उसी गाइडलाइन से पढ़िएगा ध्यान से, उसी गाइडलाइन में 7/7 में कस्टमर की विजिट कर सकते हैं। तो उस विजिट से पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि आप उसके घर पे आ रहे हैं। सर आप पढ़िए गाइडलाइन, वरना मैं आपकी आपके इस मोबाइल नंबर पे ना आपको स्क्रीनशॉट के साथ भेजूंगा आरबीआई पूरी गाइडलाइन, रख लेना उस गाइडलाइन को अच्छे से सर। सुने अगर कस्टमर आए तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर, आप एड्रेस दे दीजिए लेकिन आप पेमेंट तो देंगे नहीं देंगे। पेमेंट जब होगी कस्टमर तभी देगा ना पेमेंट, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जॉब नहीं है उसकी, वो कहाँ से पेमेंट करेगा? ये फिर सर जब एग्रीमेंट हुआ था, जब लोन लिया था तो एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देते थे ऐसा है जी, जब मेरे पास पैसे होंगे ना तब आपके लोन के पैसे दूंगा। आप अभी यहाँ से घर जाएंगे, आप यहाँ से घर जाएंगे, आप मेरे सुनिए सर, क्या आप मेरे सुनिए सर, मैंने आपको दो मिनट पहले क्या बताया था, आगे का किसी को नहीं पता होता है सर, वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बीमारी की बात ना। मुझे एक बात बताइए, जब आपने लोन लिया था 5 साल में, 5 साल के लिए आपने लोन ले लिया, हाँ जी ठीक है, 5 साल में आपको पता है आगे क्या होने वाला है? सर मेरी नौकरी भी छूट सकती है, मेरी छूट सकती है, बीमार भी हो सकता हूँ सर। लेकिन काम कीजिए ना बैंक को, उसके साथ में ना एक काम करिए, जब लोन लेते हो ना तो बैंक को ना एक एफिडेविट साथ में दे दिया करो लिख के, जी जब मेरी नौकरी छूट जाएगी मैं बीमार हो जाऊंगा ना तो आपकी ईएमआई तोड़ दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, नहीं तो फिर आपके पैसे दे दूंगा। सर, अगर इतना आपको कस्टमर पे भरोसा नहीं था सर, आपको देना नहीं चाहिए था ना, आपको नहीं सारे काम करवा लेने चाहिए थे। तो भरोसा आपको पता था कस्टमर है सर, भरोसा नहीं तोड़ रहे हो ना सर, मैं सारे डिटेल के साथ कस्टमर बैंक से बात कर रहा हूँ, तो भरोसा तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर मैं आपको कुछ ना बताता कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं आपकी आपके डॉक्यूमेंट नहीं देता, मैं बीमार हूँ इलाज करा रहा हूँ, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट बैंक को लगातार मिल कर रहा हूँ, तो भरोसा कैसे टूट रहा है? सर आप कस्टमर से ना जबरदस्ती नहीं कर सकते, पहली और आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप बिना लेटर के यहाँ पे आ रहे हैं तो आप खुद एक रूल तोड़ रहे हैं आरबीआई का, आई बात समझिए आपको, आपका लेटर है तो सुनिए एक सेकंड, रूल तोड़ दिया सर, सर रूल आपने यही तोड़ दिया है बिल्कुल सर, मैं आ सकता हूँ सर, सर बैंक के एम्प्लॉई है, सुनिए सर आप बैंक का एम्प्लॉई हूँ, मैं आ सकता हूँ सर। दूसरी चीज, रूल तो सबसे पहले आप आ गई है ना, तभी तो नहीं दे रहा तो मैं पहले क्या कह रहा हूँ सर, मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ सर, जब आप लोन लेता है कोई भी बंदा, उसे थोड़ी ना पता होता 5 साल में उसके साथ क्या हो जाएगा सर। तो ये बात तो सर बैंक को भी सोचनी चाहिए, बैंक को सर क्या समझनी चाहिए, मुझे एक बात बताइए ना, अगर किसी को भी बता के नहीं आती है आपको, ये मैंने आपको यही तो मैंने आपको ये बात आपको समझनी चाहिए ना सर, यही तो आपको समझना चाहिए ना सर, ये चीज आपको भी समझनी चाहिए थी ना, लोन लेने से पहले की भाई 6 महीने बाद मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूंगा सर, ये सोच सकते हो ना आप। सर बता के कभी कोई चीज नहीं होती है, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, तो फिर बात तो वही है ना, मतलब आपकी बात उठी हो गई है सर, आपको सर किसी को ये नहीं पता होता, कैसी बात कर रहे हो, 2 साल बाद 2.5 साल बाद, मेरा 5 साल का लोन है जी, 2 साल बाद कहीं हो सकता है मेरी नौकरी, ये भी बंदा है ना माइंड में, जब लोन लेता है ना तो सोच समझ के लेता है सर, ऐसे थोड़ी लेता है लोन सर, अगर इतना टाइम नहीं है, नई नौकरी छूट जाएगी मेरी तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा, या मैं बीमार हो गया मेरे को सर, वो सारी नहीं होता जी। सर देखिए पहली और आखिरी बात, मैं पहले मेरा पहले इस तरीके की चीजें जो हुई है मेरे पहली बार हुई है, कोई ऐसा नहीं कि मैं ये चीजें कभी हुई है मेरे साथ। आप पैसा नहीं देना चाहते हो, सिंपल सी बात है, मुझे हाँ या ना ही बताइए। सर मैं नहीं देना चाहता फिलहाल की कंडीशन, पैसा नहीं है, कनेक्ट कर दीजिए कॉल को, आप काटिए सर कॉल। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.